गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, जय श्री राम और जय माता की। तो गाइस, मैं नहा धो के रेडी, पूजा वूजा भी सब कर लिया मैंने, और मैं जा रहा हूँ गाड़ी की बैटरी देने के लिए। जो अपनी WRV है ना, उसकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। कल रात हम लेके जा रहे थे तो वो स्टार्ट नहीं हुई, तो उसको चार्जिंग पे दिया आता हूँ और पता लगेगी फिर क्या दिक्कत है उसके अंदर, है ना गाइस। तो गाइस, अब मैं कर रहा था लंच, और लंच में है आज देखो पकोड़ी, चाय और चटनी, कुट्टू की पकोड़ी, चाय और चटनी। हाँ को वो बस मुझे प्यार करती हूँ, किसी को नहीं। तू चुप रह, ठीक है? वो मुझे भी करती है। हाँ, सही बात है, सही कह रहा है वो। ठीक है ना, तो फटाफट खा लेते हैं। तो गाइज, अब हो गई है शाम और बच्चे गए हैं ट्यूशन। वो आएंगे 6:15 बजे, ट्यूशन से आएंगे वो लोग और आके अपना दो दूध पियेंगे वो। और हमें जाना है मेरठ किसी ज़रूरी काम से, और राजा भी आने वाला है, राजा भी हमारे साथ ही जाएगा, और मैं और डॉली और राजा, हम तीनों जाएंगे साथ में। हाँ, कुछ ज़रूरी है मेरठ में, इसलिए जा के आया था गाड़ी की। मैं चार्ज हो गई फर्स्ट क्लास, गाड़ी में लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट फर्स्ट क्लास। अब उसे लेके जाऊंगा मैं WRV को ना। ठीक है गाइस, तो फटाफट मैं अभी बस तैयार हो जाता हूँ, फिर निकलते हैं अपना वेट के लिए। ठीक है गाइस, बाय गाइस। तो गाइस, हम आए थे मेरठ, आपको मैंने बताया था शाम को कि हम मेरठ जा रहे हैं। तो निकुंज के जो नाना जी है ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई थी, थोड़ा मतलब हार्ट में थोड़ी दिक्कत सी आ रही थी, तो इसीलिए मेरठ में जो धन्वंतरी है उसमें लेके आए थे। तो वो यहीं इनकी एंजियोग्राफी वगैरह हुई है, सब कुछ ओके, फर्स्ट क्लास है, अब कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो रिपोर्ट सब कुछ ओके है। भाई ये देखना कि भाई हार्ट में जो दर्द था वो किस लिए था, तो वो चेक हो जाएगा, तो उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो सब बैठे हुए खाना खा रहे हैं, राजा मैडम, ओके है ना सब कुछ। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं जरा ICU में उन्हें देखने के लिए, है ना, निकुंज के नाना जी को एक बार मिल आते हैं उनसे भी कि अब कैसी तबीयत है उनकी, क्या है हालचाल पूछ लेते हैं। ठीक है ना गाइस, चलो चलते हैं। वैसे फर्स्ट क्लास हो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉग में डाल दूंगा ना ना, तो सबको तसल्ली हो जाएगी जी। डाल दो डाल, हाँ जी, कोई बात, हाँ हो जाएगा अपना, ओके। तो गाइस, हम ICU से बाहर आ गए हैं, ठीक है अभी फ़िलहाल, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ओके है गाइस। चलो आपको थोड़ा सा इसका धन्वंतरी अस्पताल दिखाता हूँ, कहाँ इसकी कैंटीन है, कहाँ क्या है। ठीक है भाई, ये यात्रीगण विश्राम गृह, ये बैठने की कुर्सियाँ यहाँ की, और ये सामने कैंटीन है गाइस, ये सब खाना पीना चाय पाए सब यहीं मिलती है। और ये इधर इसका गेट है गाइस। तो गाइस, यही है धन्वंतरी। ठीक है गाइस, अब हम चल रहे हैं घर। चलो भाई चलते हैं घर, है ना, जाना जरूरी है, घर पे भी बच्चे अकेले हैं। हाँ तो ठीक है सब, चलो भाई, भाई चलो, हाँ बिल्कुल बढ़िया, ओके भाई चले चलते हैं। आ रहे थे बाईपास से और बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट हमें दिखाई दिया, ट्रक के नीचे गाड़ी घुस गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
मुझे लगा मोड़ दी दिखा एकदम। ओ माय गॉड, तो गाइस बता रहे हैं पुलिस वाले कि जो गाड़ी वाला है नशे में था, खतरनाक एक्सीडेंट है ये। तो इसने पहले बाइक वाले में टक्कर मारी, तो बाइक वाले के साथ उसकी वाइफ और उसका बच्चा था, तो उसकी वाइफ तो मर गई, ठीक है। और जो लड़का जो मतलब वो बाइक चला रहा था उसकी हालत गंभीर है, ठीक है, सीरियस है वो, और बच्चा भी होश है। तो पुलिस वाले ने इस गाड़ी वाले को उठा के बंद कर दिया, उसकी मेडिकल हो रहा है। अगर उसमें दारू का वो आता है इसे छोड़ेंगे नहीं फिर पुलिस वाले। लेकिन बहुत ही गंदा एक्सीडेंट है, बहुत ही गंदा, बहुत ही खतरनाक। पता नहीं क्यों दारू पी के चलते हैं लोग बाग रोड पे यार, हद हो गई। बाइक वाले मारी ने पहले। तो गाइस सबसे मेरा ये निवेदन है यार, दारू पीनी अपने घर बैठ के पियो, एंजॉय करना है अपने घर बैठ के करो यार। उस मोटरसाइकिल वाले का तो परिवार उजाड़ दिया, वो तो हो गया बेचारा खत्म बिना किसी गलती है। गाड़ी वाले कुछ नहीं हुआ, गाड़ी वाले कुछ बिगड़ता भी किया है यार, उसके तो एयर बैग खुल गए, टाटा तो है ही मजबूत, उसने बचा दिया उसको, लेकिन उस बेचारे का तो परिवार खत्म हो गया। क्या यार मत करो, करो यार ड्रिंक मत करके गाड़ी चलाए करो, सेफ चलो यार, सेफ चलो, और दूसरों को भी बगस दो रोड पे। गाइस मम्मी पापा मेरठ से आ गए हैं, हम सब ने डिनर भी कर लिया है। और गाइस एक बात बताऊं, जो हमने रावण का मुकुट बनाया था ना फेस, वो मेरा सिलेक्ट हो गया। पापा थैंक यू। जो थे ना वो बहुत सारे बच्चे बना के लाए थे, उनमें से किसी का सिलेक्ट हुआ है, उनमें से मेरा भी एक है। मजे आ गए मेरे, अब देखते हैं कल को क्या होएगा। अच्छा तो गाइस मैंने पहली बार जिंदगी में, हाँ पापा ने पहली बार ड्राइंग करी है और वो सिलेक्ट हो गई है। थैंक यू गाइस, 1 मिलियन तो चाहिए अब, है ना, कही तेरा आपसे सिलेक्ट हो गया, कर दो फटाफट 1 मिलियन। पापा आपसे आप ही बनाई हो मेरा, ठीक है। अच्छा गाइस अब करते हैं व्लॉग का एंड, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।